हेलो फ्रेंड्स, जो NDA 2009 की एग्जामिनेशन थी जिसका मैथमेटिक्स पेपर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 33 था वो कुछ इस प्रकार दे रखा था। देखो, इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड तीसरी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंगल इंक्लूडेड बाई द साइड्स। तो जो अलग अलग दो दो साइड से कोण बनाती है आपस में, तो उनमें सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा वो हमको पूछा है। तो देखना, जो कि हम जानते हैं, देखो एरिया ऑफ एक ट्राइंगल बराबर क्या होता है, 1/2 ए बी, भुजा की लंबाई होगी ए बी और साइन सी, इन दोनों के मध्य का कोण हो गया साइन सी, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चूंकि हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ वह एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से देखना, मैं मान रख रहा हूँ यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू ए दे रही है 6 × b दे रही है 10 × sin सी, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया 3, तो ये हो गया 30 sin c, इक्वेशन नंबर 1। और ये भी हीरोन फॉर्मूला से, ये एरिया ऑफ त्रिभुज होता है, यहाँ से एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब 6 + 10 + 14/2, तो ये आ जाएगा 15। एस की वैल्यू कितनी आएगी, 15, देन इम्प्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस ए 6, 15 माइनस 10, 15 माइनस 14, ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बराबर में, रूट ऑफ 15 × 9 × 5 × 1, तो ये रूट किसका हो जाएगा देखना, 6076, 676 हो जाएगा, और इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 15√3, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा देखना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा देखना, ये एरिया दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वहाँ पर तो क्या आया था 30 sin c बराबर 15√3, यहाँ से 15 से 15 कैंसिल होगा, तो साइन सी बराबर क्या आ गया, √3/2। अब देखो साइन का मान कहाँ कहाँ पर √3/2 हो सकता है, तो देखना मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, साइन सी बराबर साइन, एक तो होता है π/3, मतलब 60 डिग्री पर होता है, या साइन 120 पर होता है, तो 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, π − π 2π/3, क्या लिख सकता हूँ 2π/3। तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, या तो π/3 या 2π/3। अब इनमें से लार्जेस्ट देखना है, जो कोण है c, इनमें एक तो π/3 दे रखा है, एक 2π/3, तो इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, 2π/3 है, 120 डिग्री है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।